गुड न्यूज गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, और उम्मीद करते हैं आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास गेस्ट आने वाले हैं और तैयारियां फुल अरूज पे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि हमारे स्टूडियो में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और यहां पर कितना रश लगने वाला है। फखर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हमारे स्टूडियो में आपको पता है एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और बड़े अरसे के बाद मेरा उनसे बड़ा एक पुराना ताल्लुक रहा लेकिन मुलाकात बहुत कम रही, तो मैंने आज जो है वो बड़ा मुझे एक प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्टूडियो में जो है वो शख्स बड़े सालों के बाद हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आपको भी जो है वो आज कुछ उनसे मिलवाया जाए, उनसे कुछ सुनवाया जाए। आज जो हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं बेसिकली वो अपनी ही अपकमिंग कॉन्सर्ट के जैम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनका नाम हम लोग आपको बता देते हैं। वेरी फेमस, वेरी टैलेंटेड, बड़ा खूबसूरत वोकल है उनका। आई लाइक हिज वोकल टिम्बर। सो वन एंड ओनली, अरे नाम बताओ यार। वन एंड द ओनली मुस्तफा जाहिद। मुस्तफा जाहिद जी आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में। रोजन बैंड भी आ रहा है, पूरा बैंड आ रहा है। यहाँ पे बहुत तैयारी हो गई है फुल और हमारा बिल्कुल हॉल जो है वो इस टाइम बड़ा गहमा गहमी यहाँ पर है। बड़े उनके जो टीम के मेंबर्स हैं वो सारा कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से आज जो है वो शेयर किया जाए कि हमारे स्टूडियो में एक हलचल जो है, एक गहमा गहमी जो है, और मुस्तफा जाहिद भी आ रहे हैं। तो इस वाले से आई एम वेरी एक्साइटेड, फखर इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो थोड़ी देर में आपको हम मिलाते हैं मुस्तफा जाहिद से। टिल देन थोड़ा सा वेट कीजिए। Oh,
चले हैं चेहरे से वो काम जरूरी लगता है आंखों में देखा जब उसने पैगाम जरूरी लगता है इतना प्यारा होगा वो भी जिसके लिए सारा करता है तेरा ही सहारा है इसको बाकी का सहारा करता है बंदे मिट्टी के बंदे गंदे मिट्टी के बंदे Oh,
गाइस कैसा लगा आपको आज का मुस्तफा ज़ाहिद का जैम? फखर आप बताएं कैसा क्या फील थी यार स्टूडियो में? जी बड़ा मजे का जैम रहा है, और लेकिन चीजें काफी उथल पुथल हो चुकी हैं क्योंकि जब जैमिंग होती है तो बहुत सारी चीजें कभी इधर कभी उधर, वो सब चीजों को भी समेट रहे थे हम लोग। लेकिन यार मजा कितना आया आप ये बताएं। मतलब वो गाने जो हम इतने अरसे से फिल्मों में सुन रहे थे वो गाने आज हमारे स्टूडियो में बजे यार, इतने मजे के गाने। तेरा मेरा रिश्ता पुराना तो फिर आओ, और इसके अलावा और कवर्स भी इतने उन्होंने आज गाए हैं। एक्साइटमेंट का लेवल बड़ा हाई था, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमारे दोस्त भी कुछ आए हुए थे, उनके कुछ दोस्त आ रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत इंजॉय किया और ऑलमोस्ट 2 घंटे उन्होंने यहाँ पर जैम किया यार। क्या मजा था उसे फखर जी, ऑलमोस्ट 2 आवर्स उन्होंने यहाँ पे जैम किया और बड़ा मजा आया। बड़े अरसे बाद उनके जो बेहतरीन कलेक्शन है वो उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म की। बैकस्टेज स्टूडियो का ये फर्स्ट जैम था जो कि हम लोगों रॉक्स एंड बैंड के साथ किया, और बड़ा मजा आया। और इसके जो क्लिप्स हैं वो आप हमारे व्लॉग्स में देख सकते हैं, बाकी इवन यू कैन वॉच ऑन बैकस्टेज टीवी ऑल्सो। जी बिल्कुल, बैकस्टेज टीवी जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। और स्पेशली आज तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, और इस तरह बहुत एक्साइटिंग चीजें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।